नजमा ने राइट कमरा कहा था तो राइट और रॉन्ग की समझ थी नहीं आपको, अभी राइट और लेफ्ट की समझ भी नहीं। अल्लाह मियां व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आप हमेशा मुझसे लड़ने पे आमादा क्यों रहते हैं? मैं हमेशा आपसे लड़ना चाहता हूँ, ये मेरा कमरा है। ओ रियली? उन्होंने कहा था राइट रूम, तो आप लेफ्ट क्यों आई? आपका लेफ्ट मेरा राइट है और मेरा राइट आपका लेफ्ट है, तो इस कायदे से जो मैंने समझा वही ठीक है। एंड बाय द वे मैं आपसे पहले इस रूम में आई हूँ तो ये रूम मेरा हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क में ऐसे ही होता है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हर किसी का दिमाग आपके जैसे खराब होता है। दिमाग तो आपका खराब है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ऐसा क्यों कहा उसने? मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, फिर ऐसे चलाने लगी जैसे सब मेरी गलती। वो तो आपने वादा कर दिया, नहीं तो मेरा मशवरा ये कि उसे घर से इसी वक्त निकाल दिया जाए। सर वो बेचारी, अम्मी प्लीज खुदा के लिए उसे बेचारी मत कहिए, आपने उसकी असली शक्ल देखी नहीं। अगर आपको पता होता वो कैसी लड़की है तो आप खुद ही कहती कि वो इस घर में रहने के लायक नहीं। नहायत ही बदतमीज और गैर जिम्मेदार लड़की, कपड़े पहनने तक का सलीका नहीं उसे। सर मेहमान है वो, दो चार दिनों में चली जाएगी, उसने सारी उम्र थोड़ी ना यहाँ रहना है। बेटा सब्र करो बेटा। आप कहती हैं तो ठीक है अम्मी, लेकिन उससे कहिए मेरे कमरे से दूर रहे। ओके। और इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। ओके। और उसका ये सब सामान मेरे कमरे से निकलवाइए। असद रिलैक्स। अभी तो असद को मैंने किसी तरह समझा लिया, लेकिन इन दोनों की ये शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पर अम्मी गनीमत समझिए कि भाईजान ने जोया को जीन्स टॉप में नहीं देखा, और आप तो जानती हैं कि जो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं उनके बारे में भाईजान की क्या राय है। नजमा तुमने जोया के आने से पहले मुझसे पूछा था ना कि क्या ये वही लड़की है जिसका निकाह होने वाला था? हाँ। ये वही लड़की है जिसका निकाह नहीं हुआ। जब काजी साहब ने उससे पूछा कि क्या उसे निकाह कबूल है तो उसने मना कर दिया और अपने निकाह से भाग गई। क्या? लेकिन सुनो, ये बात जो मैंने तुमसे बताई है ये असद के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर असद को पता चल गया तो तुम जानती हो क्या हो सकता है। और वैसे भी दो चार दिनों की ही बात है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मैं एक काम करती हूँ, मैं जोया से कह देती हूँ कि जब तक वो इस घर में है तब तक जीन्स टॉप ना पहने। हम ऐसा नहीं कर सकते नजमा, वो मेहमान है और मेहमान पर हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। और वैसे भी असद को ये जानने की जरूरत है कि जो इंसान हमसे अलग है या जिसका नजरिया या तहजीब हमसे अलग है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान गलत हो। वो चाहे जैसा भी है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। करे hey, good morning. Good morning. Good morning. आप लोगों ने मेरा पिज्जा का स्लाइस देखा? मैंने कल रात को स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए बचा के रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। लेकिन वो तो कल का पिज्जा है ना? और क्या, आप कुछ फ्रेश खा लीजिए ना। Yeah, thank you. But I just love cold leftover pizza slice. मुझे बहुत पसंद है। But don't you think कि stale food is bad for health? I know. Okay, आप बताइए कि हम healthy and fresh चीजें क्यों खाते हैं? Obviously, healthy रहने के लिए। सही जवाब। और हम तंदुरुस्त इसलिए रहना चाहते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को full on enjoy कर सकें, right? Right. अब जरा सोचिए, हमें अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट का कोई शॉर्टकट मिल जाए तो कोई ये लंबा फ्रेश और एक्सरसाइज वाला लॉन्ग रूट क्यों चूज करेगा? लेकिन क्या मेरी लाइफ के एंजॉयमेंट का एक सिंपल सा शॉर्टकट है, कोल्ड बासी लेफ्ट ओवर पिज्जा स्लाइस। एंड मेरी लाइफ के एंजॉयमेंट का वो शॉर्टकट कहीं गुम हो गया है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर आप लोगों ने देखा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अरे कहां चला गया? गुड मॉर्निंग। आपका कैन कल रात को मेरे कमरे में छोड़ गई थी। सॉरी, आप इसे रिसाइकल बिन में डाल देंगे प्लीज?
ये नेक काम आप खुद क्यों नहीं कर लेती? इससे आपको पता चल जाएगा कि रिसाइकल बिन कहाँ है। ओके, मैं डाल देती हूँ। नॉर्म बिग बिग। एक्सक्यूज मी, इस चेयर पे पहले मैं बैठी थी, तो ये मेरी चेयर है, प्लीज कहीं और बैठ जाइए। ये मेरी चेयर है। अब भाईजान रोज इस चेयर पर बैठते हैं। हाँ। ओ रियली? एक चेयर से इतनी मोहब्बत? इसी बात पे एक शेर अर्थ है, रूहानी सुकून और दिल में चैन होना चाहिए, रूहानी सुकून और दिल में चैन होना चाहिए, आपका नाम असद नहीं चेयरमैन होना चाहिए। तुम आओ ना, बैठो। यार शो आपको क्रिकेट पसंद है? पसंद? I just love क्रिकेट। बड़े परेशान लग रहे हैं। हाँ, कुछ बाद में बताऊंगा। अच्छा मेरी सुनिए, अर्ज किया है, जिंदगी है पेंसिल, किस्मत है रबर, जिंदगी है पेंसिल, किस्मत है रबर, I have called to give you a good खबर। आयान प्लीज, खुदा के लिए बंद कर। का हो चुका। पर भाईजान मैंने तो आज आपको पहली बार फोन किया है। और गंदी शायरी किसने सुना दी? ये तो मेरा कॉपीराइट है। यकीन नहीं होता, लेकिन कोई है जो तुमसे भी घटिया शायरी कर सकता है। कौन भाई? मैं बहुत जलस किस्म का इंसान हूँ, मेरे अलावा आपको कोई और परेशान करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमने किस लिए फोन किया? अरे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गया भाईजान, एक बहुत ही अच्छी खबर है, निखत का रिश्ता पक्का हो गया है। तो वाकई बहुत अच्छी खबर। हाँ भाईजान, ये बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था, बस अभी बहुत काम बाकी है, मैं आपसे फिर बात करूंगा। सब ठीक तो है? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।